पाकिस्तान में जापान के सफीर मिस्टर मित्सु हीरो वावडा कराची पहुंचे। सीईओ यूनाइटेड मरीन एजेंसी सुहेल शम्स की जानिब से मुकामी होटल में उनके अरदास में दोहराने का एहतमाम किया गया। सीईओ यूनाइटेड मरीन एजेंसी सुहेल शम्स पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम के चेयरमैन कलीम फारूकी इस्तकबाल किया। सुहेल शम्स ने अपने खिताब में कहा कि हम जापानी सफीर मित्सु हीरो वावडा की आमद पर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान जापान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तेहकाम देने के लिए इनके साथ मिलकर काम करेंगे। कलीम फारूकी ने अपने खिताब में सफीर जापान का शुक्रिया अदा किया और इन्हें अपने भरपूर तआवुन का यकीन दिलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए पाकिस्तान में जापान के सफीर मिस्टर मित्सु हीरो वावडा ने पाकिस्तान और जापान के मौजूदा दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। मिस्टर वावडा ने सैलाब जदगान के खानदानों से इजहार ताज़ियत किया और कहा कि जापान इस अंधोनाक सहाने पर बहुत दुखी है। इस ज़मन में जापान हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए 7 मिलियन अमरीकी डॉलर की इमदाद भी दी है। मिस्टर वावडा ने इस मौके पर हाजिरीन को बताया कि हुकूमत जापान अपनी इमदादी सरगर्मियों के जरिए सैलाब मुतासिरीन के साथ तआवुन और इमदाद जारी रखेगी। मिस्टर वावडा ने कहा कि वो वादा करते हैं कि पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। सफीर वावडा ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में जापान के दरीना दो तरफा तआवुन और मुश्तरक अहदाफ और मकासद के हुसूल के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। हम इस अज़्म का अदा करते हैं कि आइंदा 70 बरसों में इस ताल्लुक को मजीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।